हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल परी टेक एंड फाइनेंस में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाले जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिन्होंने शेयर बाजार में अपनी धाक जमा रखी है। दोस्तों, आज हम आपको इनके कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में बताएंगे, जिनके जरिए आप भी शेयर बाजार में अपनी धाक जमा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप हमारा ये वीडियो पूरा देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए साथ में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। पैसे से पैसे कमाने का एक बेहतर जरिया है शेयर बाजार, लेकिन हर किसी को बाजार की इतनी समझ नहीं होती कि वह सही निवेश चुन सके। लेकिन शेयर बाजार में कई ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं जिनके एक फैसले से न सिर्फ उन्हें बल्कि उन्हें फॉलो करने वालों को भी लाखों या करोड़ में इनकम हो सकती है। इनमें दो बड़े नाम कहें तो एक बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफे और दूसरा नाम राकेश झुनझुनवाला का है। दोनों ही शेयर मार्केट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मार्केट से करोड़ों की कमाई की है। इनके द्वारा दिए गए टिप्स से आप भी छोटी रकम के साथ शुरू कर अमीर बन सकते हैं। खास बात यह है कि दोनों शेयर मार्केट में कमाई के लिए एक ही तरह के मंत्र पर काम करते हैं, बस उनके कहने का तरीका अलग हो सकता है। आइए जानते हैं मार्केट से पैसे कमाने के लिए दिग्गज खिलाड़ियों के मंत्र। पहला, गोल्डन रूल, निवेश को बढ़ने के लिए समय दे। वॉरेन बफे और राकेश झुनझुनवाला दोनों ही शेयर बाजार में लंबे समय के लिए निवेश करने की सलाह देते हैं। उनका कहना है कि छोटी अवधि में ही मुनाफा कमाने के बजाय निवेश को कई गुना बढ़ाने के लिए समय दे, यानी लंबी अवधि को सोचकर निवेश करें। झुनझुनवाला का कहना है कि अपने पैसे को बाजार में मैच्योर होने के लिए बाजार में समय दे, तभी दुनिया आपकी खूबी समझ पाएगी। वहीं वॉरेन बफे दूसरे अंदाज में कहते हैं, उनका कहना है कि आप जिस छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं उसे आपने बहुत पहले लगाया होगा, जो बढ़कर आपको राहत दे रहा है, यानी कम समय में ही इसे काट देते तो शायद आज छाया नहीं मिलती। समय का इंतजार न करें। वॉरेन बफे के अनुसार मार्केट में निवेश के लिए हर समय सही वक्त होता है, इसलिए सही समय का इंतजार न करें। अगर किसी अच्छे कंपनी के स्टॉक अच्छी कीमत में है तो निवेश शुरू कर दें। कीमत पर न जाए, वैल्यू देखें। कभी भी किसी शेयर में पैसा लगाने के लिए पहले यह न देखें कि इस शेयर कीमत ज़्यादा है तो यह बेहतर होगा। राकेश झुनझुनवाला का कहना है कि किसी भी शेयर में पैसा लगाने के लिए पहले उस कंपनी का प्रदर्शन देख लें। कंपनी का प्रदर्शन बेहतर है तो मार्केट के उतार चढ़ाव से दिक्कत नहीं होगी। देखा देखी पैसा न लगाएं। अगर आप सिर्फ इस वजह से किसी स्टॉक में पैसा लगा रहे हैं क्योंकि दूसरे भी उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो आप नुकसान उठा सकते हैं। वॉरेन बफे के अनुसार जब दूसरे लालच में आ रहे हैं तो सतर्क हो जाए। जब दूसरे सतर्क रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हो तो कमाने के बारे में सोचने लगे। डिविडेंड देने वाली कंपनियों पर रखें नज़र। निवेश करने के पहले ये देख लें कि कौन सी कंपनियां रेगुलर डिविडेंड दे रही है। कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड दे रही है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के पास कैश की कमी नहीं है। कैश सरप्लस वाली कंपनियों का प्रदर्शन भी बेहतर रहता है। पूरी रकम एक साथ न लगाएं। प्रॉफिट कमाने का एक नियम है कि पूरा निवेश कभी एक साथ न लगाएं। अगर किसी स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं तो कुल रकम को कुछ हिस्सों में बांट लें और धीरे धीरे खरीदारी करें। अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो खरीदारी जारी रख आप खरीद का औसत घटा सकते हैं। कम कर्ज वाली कंपनियाँ चुनें। निवेश करने के लिए पहले ये भी देख लें कि किस कंपनी पर कर्ज कम है। कर्ज कम होने से कंपनियों पर कैश को लेकर दबाव नहीं रहता है। TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनियां इसका उदाहरण है। अफवाहों पर ध्यान न दें। वॉरेन बफे के अनुसार स्टॉक्स में निवेश करने के बाद बार बार स्टॉक्स कीमतों को देखना एक गलत रणनीति है, उसे कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अफवाहें खूब चलती है, इसलिए इससे बचना जरूरी है। ज़्यादा रिटर्न की लालच न रखें। अगर आपको 15 से 20% रिटर्न दिख रहा है तो निवेश करें। दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड हमसे कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।